नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। वही उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। और इसी बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने प्रत्याशियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि इस बार चुनाव में हमारे ही प्रत्याशी जीतेंगे और चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही प्रत्याशियों को मैदान में समाजवादी पार्टी उतार देगी। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, चुनाव जैसे ही डिक्लेयर होंगे तारीखें आ जाएंगी तो तैयार हैं हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग। और फिर कब्जा करेगी समाजवादी पार्टी और सब पूरी पार्टी मिलकर के प्रत्याशी उतारेगी और प्रत्याशी ऐसा प्रत्याशी उतारेगी जो फिर से इटावा नगर पालिका पर कब्जा हो। शाहजहांपुर जिले के अंदर मंत्री जितेंद्र प्रसाद और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने 194 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया है और करीब 55 परियोजनाओं में लगभग 118 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के बनने में लाखों ग्रामीणों को राहत मिलेगी। और इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि उनकी सरकार गुंडागर्दी को खत्म कर विकास का पहिया तेजी से दौड़ा रही है। वहीं पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है उससे कई गांवों की सड़कों को बनाया जाएगा और कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर होती नजर आएगी। अब उन लोगों को कुछ ना कुछ तो कहना ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनकी बात में कोई जनता न तो सीरियस लेती है न उनकी बात में ऐसा कोई तथ्य है या ऐसी कोई वजनदारी है कि जिसको जनता स्वीकार करे। लोगों को मालूम है कि मोदी और योगी इस देश के लिए और प्रदेश के लिए वरदान है और इनकी हर नीति इस समय प्रदेश के लिए कारामद है। हमने पूरे पिछले 6 वर्षों में लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोगों का विश्वास जमा है और लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी कसौटी है, सबसे बड़ी कुंजी है। और गांव की सड़कें तो ये सरकार पूर्ण विश्वास रखती है कि बड़ी सड़कें और एक्सप्रेसवे तो बनेंगे ही, मगर साथ ही साथ ये सरकार प्रतिबद्ध है कि गांव तक की सड़कों को सुदृढ़ करा के वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके लिए हम सब लोग और खास तौर से लोक निर्माण विभाग पूरी तरीके से तैयार। वाराणसी में बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव से बदसलूकी का मामला दरअसल निकलकर सामने आ रहा है और इस पर अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह का भी बयान निकलकर सामने आया। पुलिस का ये कहना है कि उनके लिए 2 कमरे 6 अप्रैल तक के लिए बुक थे, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय खत्म होने के बाद भी कमरे खाली नहीं किए, जबकि दूसरे ने कमरे की बुकिंग पहले ही ऑनलाइन तरीके से करवा रखी थी और इसी के चलते तेज प्रताप का सामान बाहर निकाला गया। संतोष सिंह ने यह भी कहा है कि तहरीर के आधार पर जांच आगे की जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी जो अपने मित्र हैं वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात तो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था उस कमरे को के बैग को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था। एक तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए 1 दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री हैं या क्या हैं, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था, होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब ये वापस आए क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था,
तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। खबर बदायूं से आ रही है। बदायूं में विशाल हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष अर्पित पटेल ने यातायात पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है और साथ ही उन्होंने इंदिरा चौक के सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और उनका यह आरोप है कि अस्पताल जाते वक्त उनकी गाड़ी रोकी गई और कागज चेक किए गए। दो कागज होने पर उनसे 1,000 रुपए भी मांगे गए हैं और इसके बाद उन्हें सड़क पर बैठा कर धरना प्रदर्शन वो देते हुए नजर आए। धरने पर बैठते ही हड़कंप समझता हुआ नजर आया और थाना अध्यक्ष सिविल लाइन और सीयू सिटी मौके पर पहुंच गए, जहां पर उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया गया। सीयू सिटी ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की जाएगी। इंदिरा चौक से हॉस्पिटल जा रहा था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी। अभी से मैंने उनको रोका, मैंने रोका, मैंने बताओ तो जा कही अभी कहाँ जा रहा है, तो मैंने कागज मैंने कागज आए दो कागज 1,000 रुपए थे, 1,000 रुपए मैंने ना देने पे चालान किया गया मेरा 1,000 रुपए। और कह रहा है मैंने की DSI राम सेवक सिंह है इनका क्या नाम है इनका, और मैंने रुका उससे कहते हैं तो मैंने की मैं विशाल हिंदू आई नहीं जिला अध्यक्ष हूँ, आप कोई नेता सही कोई हिंदू संगठन सही मैं नहीं जानता किसी को, आप 1,000 रुपए दोगे ना दोगे चालान करूंगा। खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के खनौदा गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय से बच्चों के बर्तन धोने का एक वीडियो निकलकर सामने आ रहा है और वीडियो में बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में खाने की झूठी थालियां धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि इससे पहले भी बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का साफ सफाई करते और पानी भरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वहीं विभाग के उच्च अधिकारी इस तरह के मामलों को लेकर अभी तक चुप है और ये बता दें के गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने स्कूल हेडमास्टर के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि वो खुद बच्चों को झाड़ू लगवाते हैं और उनसे सफाई करवाया करते हैं। बच्चे घर जाकर कहते हैं साफ सफाई करते हैं, बर्तन मांजते हैं और झाड़ू लगाते हैं। हमारे बच्चे इस बात का घर जाकर बताते हैं हमें, आज हमने मौके पर आकर देखो तो वही काम हो रहा है, बर्तन मांजने या झाड़ू लगा रहे हैं। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत जिले की पूरनपुर पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने यह बताया है कि अभियुक्त 1 किलो काली अफीम अपने पैर में बांध कर ले जा रहा था, जिसको पुलिस और SOG की सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार किया है और बरामद अफीम की बाजार में कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए तक बताई जा रही है। इसमें हमारी जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG टीम है उसको ये मुखबिर की सूचना से पता चला था कि ये काफ़ी भारी मात्रा में अफीम जो है वो बनी बनाई यहाँ किसी को बेचने के लिए ला रहा है, जिसमें कि हमारी SOG टीम और थाना पूरनपुर पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी करके इसको थाना पूरनपुर में पकड़ा गया। जब ये इसने भागने की कोशिश करी इसको पूरी टीम ने घेर घार कर इसको पकड़ा और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसने गर्म पट्टी से ये अफीम बांध रखी थी। टोटल इसका वजन किया गया तो करीब 1 किलो से थोड़ा ऊपर निकली है, जिसकी कीमत तकरीबन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 20 से 25 लाख रुपये है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहे TNP न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत जनपद के बिलसंडा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर चूल्हे की चिंगारी से भीषण आग लगी है और इस आग से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं तेज हवा से आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की चपेट में 6 महीने का मासूम बुरी तरह से झुलस चुका है। आपको बताएं कि जानकारी के अनुसार दमकल विभाग की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने आग के ऊपर काबू पाया है और ग्रामीण भी इस आग को देखकर हैरान नजर आए हैं। वो देखो दूध पानी गरम करते रहे थे, वो फुलझरिया ऊपर उड़ गई तो वो लग गई, लड़का लेटा रहा है और कमरिया और कपड़ा सब जल गया, दो देखो रजाई रही और खटिया पिड़िया और TV और जो किमारन कड़ी और चौखटे जो रही है। बुलंदशहर जिले के अंदर चीरघर बाईपास के पास एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी है और आग में फैक्ट्री में रखा प्लास्टिक का सामान जलकर राख हो चुका है। मौके पर भगदड़ मचती हुई नजर आई और वहीं घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग के ऊपर काबू पाया। खबर हमीरपुर से। हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और आपको बताएं कि हाथरस जलेसर और इटावा के श्रद्धालुओं को लेकर चित्रकूट और अयोध्या जा रही मिनी बस एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 22 लोग घायल हो चुके हैं और वहीं चालक की मौत हो चुकी है। घायलों को मुदहा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायलों को हालत गंभीर होने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज़ के साथ।